हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो देखिए, खुला खुला आसमान, एकदम साफ नीला नीला आसमान, मौसम बहुत सुंदर था। हवा चल रहा था, लेकिन फिर भी मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। ठंड भी है और धूप भी अच्छा लग रहा है। ये आज आलू का मछली वाला जोर का सब्जी बना है, जिसमें मसाला में जीरा, सरसों, लहसुन, अदरक, मिर्च तो पीस लिए। जब उसके बाद फिर छोटा छोटा दो प्याज था, उसको भी इसमें डाल के पीस लिए। इसमें काली मिर्च नहीं डाल, डालना भूल गए थे, लेकिन पंचफोरन एक चम्मच डाले, फिर प्याज। तो सिर्फ यही करते हैं कि इसमें काली मिर्च नहीं डालते हैं, तो उसका थोड़ा सा अलग तीखा बनाता है ना, जिसके चलते। तो ये आलू डाल दिए, अब इसको मीडियम हाई पे पीस के रखे, उसी में नमक भी डाल दिए थे। अब हल्दी डाल दिए और थोड़ा सा धनिया। अच्छा, ये हल्दी पाउडर है, आगे धनिया पाउडर डाल देते हैं। तो सबको मिक्स कर लिए अच्छे से, थोड़ा सा इसको पलट देते हैं और उसके बाद जो पिसा हुआ मसाला है उसको भी डालते रहे। तो ये इसमें सरसों है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस मुश्किल से 5 से 7 सेकंड ज़्यादा। चाय नाश्ता के लिए सोचे कि क्या करें, तो सुबह में ही चना दाल डाल दिए थे। देख रहे थे कि अगर उसको नहीं बनाएंगे ना चना दाल, तो उसमें कीड़ा लग जाएगा। तो फिर कुछ दिन पहले उसको दूध में भी डाल के देखे, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था। तो चना दाल को डाल दिए थे भीगने के लिए सुबह में ही। Thank you.
बार बार कच्ची पकड़ने में गंदा होता है, तो चम्मच से ही छोटा छोटा डाल दें, चलो हो जाएगा। और कल नहीं, कल नहीं, आज ही भतीजी लोग अपना नानी घर से, मामा घर से चली गई अपना पापा के पास। तो बोले ना, भतीजी मेरा बड़ी तेज है, हुआ आपके लिए वहाँ से भी वीडियो बना के भेजेंगे, तो आज आप लोग भी देख लीजिएगा कोडरमा जिला का मसनोडी, मतलब मेरा छोटी वाली भाभी का माइक। तो खैर झुमरी से लिए जितना फेमस है वैसे मसनोडी भी फेमस। हेलो, गुड इवनिंग आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज है दिन बृहस्पतिवार और डेट है 17 फरवरी 2022। तो सुबह में ही चना का दाल डाल दिए थे फूलने के लिए, फूल गया था तो सोचे कि कचड़ी जैसा थोड़ा बना ले। और कल उसका तड़का बनाएंगे चना दाल का, दो चार कचड़ी बना ले, अच्छा लगता है चाय के साथ। अभी और आप लोग बताइए, सुबह से तो और कुछ ब्लॉग नहीं बनाए थे, सिर्फ आलू का जो क्या बोलते हैं नया आलू जो होता है ना, तो उसका मछली जैसा उसका झोल वाला सब्जी बनाए थे। और अभी तक मेरा साग चल रहा है, जो साग उस दिन बनाए थे तो अभी तक साग मेरा चल ही रहा है, तो अच्छा लगता है। साल भर में तो एक ही बार बनाना है और खाना है तो एक ही बार सीजन आता है ना, इसलिए साग चटनी और सब्जी। परसों बनाए थे छोटा वाला आलू का सब्जी जो ऐसे ही फ्राई करके बनता है सो, और आज बनाए थे, बार बार खुल जा रहा है, आज वही आलू का झोल वाला सब्जी बनाया, तो अच्छा लगता है। इस बार नहीं बनाए थे अभी, तो सोचे एक बार बनाते हैं, हालांकि धनिया पत्ता नहीं था, धनिया पत्ता नहीं था तो नहीं था, चलो ऐसे ही बना तो अच्छा लगा। और दूसरा चीज था कि दांत में जो दर्द मेरा रहता था, तो अभी तो लग रहा है ना कि इतना बड़ा होल हो गया है मेरा, यहाँ इधर से तो खाने का ही नहीं है, तो हार्ड चीज तो अभी नहीं खा रहे हैं, लेकिन चलो कुछ कुछ बना लेते हैं। और क्या शेयर करें आप लोगों से, जो मेरा डेली का जो रूटीन है वही, तो रोज सोच रहे हैं सुबह में उठ के घूमने जाने के लिए, अभी तक मेरा प्लानिंग फेल ही हो रहा है कि सुबह में 4:45 में उठते हैं कि उठेंगे 6 बजे निकलेंगे, ज़्यादा नहीं 6 बजे निकलेंगे, 1 घंटा में घूम के आएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा। सुबह में ठंडी बहुत ज़्यादा लगता है जिसके कारण जा भी नहीं रहे हैं घूमने, तो कोई बात नहीं, देखते हैं जब से कम हो जाएगा फिर जाएंगे, घूमने जाते तो ज्यादा अच्छा था। तो यहाँ चाय बन गया था, कचड़ी भी बन गया और चाय भी छान गया, तो चलिए आप लोग भी चाय नाश्ता कर लीजिए, सुबह
का तो नहीं, लेकिन कम से कम साथ में शाम का चाय और नाश्ता दिखा रही थी कि देखिए कितना सब करारा करारा बना है। आवाज सुना रहे थे आप लोग को, आज का ब्लॉग आप लोग देखिए और मुझे प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। खैर आप लोग बहुत अच्छा सा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब गलती मेरा ही था कि बीच बीच में हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं। देखिए मेरा डॉगी का, इसको कैसे वहाँ बैठा दिया गया है, उसको बिस्तर लगा के वहाँ नहीं बैठा, खाना खा रहे थे कि नाश्ता कर रहे थे तब तक किए पहुंच गया, छोड़ के भाग गए। तो देखिए ये मसनोडी कोडरमा जिला का एक मतलब बहुत चर्चित गांव, जहाँ का बहुत सारा चीज भाई फेमस है बहुत। और ये कुबड़ी का जंगल भी इधर दिखा रही है, देखिए जहाँ शूटिंग होता है, और मसनोडी में भी शूटिंग हुआ है पिक्चर का। क्या भोजपुरी पिक्चर था, माई क्या चरवा में चारों धाम। एक है वहाँ मतलब पुराना घर है, नौलखा महल बोलता है, लोग बनाने लग रहे फुआ के लिए गई है सब पिकनिक में, वही कुबड़ी का जंगल में सब पिकनिक में गई है। उसकी बहन है, चचेरा भाई है, गांव का है, और लोग तिलैया से भी गए वहाँ। तो देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।